नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक और नई औषधीय प्लांट्स लेके आया हूँ जिसका नाम है एलोवेरा। ये जो एलोवेरा देख रहा है, देखिए ये एलोवेरा है, इसको घृत कुमारी ग्वार पट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ये एलोवेरा है, इसके अगल बगल में देखिए ये कांटा लगा हुआ है, देख रहे हैं, इधर भी लगा हुआ है। ये एलोवेरा को प्रयोग करने से पहले इस को बगल से छुड़ी से इसको काट के निकाल लें और इधर से भी निकाल लें, बीचों बीच हिस्से से इसको तोड़ करके आधे आध हिस्से में इसको फाड़ दें और उसमें से लसदार गुद्दा टाइप का निकलेगा, वो एलोवेरा जो है उसको प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, इस एलोवेरा को तोड़ने पर लसदार निकलेगा, लसदार पीला पीला निकलेगा, वो जो है वो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है, उसको निकल जाने दें, उसके बाद से एलोवेरा का आप लोग प्रयोग करें। ये जो एलोवेरा है बहुत सारे रोगों में काम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। मनुष्य जो है हर घरों में ये एलोवेरा लगा देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम बताने जा रहा हूँ। ये जो है एलोवेरा त्वचा संबंधी विकारों में एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। जिनके चेहरे पर छाइयाँ है, फुंसिया है, या जिनको सन वर्म की शिकायत रहती है, वे घृत कुमारी के गुद्दा निकालकर चेहरे पर या नहाने से पहले पूरे शरीर में इसको लगाएं। इससे त्वचा संबंधी विकार दूर होंगे और बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के आप अपने चेहरे पर और पूरे शरीर की क्रांति बढ़ा सकते हैं। ये जो एलोवेरा आप देख रहे हैं, ये संधिवात अर्थराइटिस में भी एलोवेरा का प्रयोग करते हैं। आप संधिवात से पीड़ित हैं तो घृत कुमारी का गुद्दा इस समस्या से निजात दिला सकता है। इसका गुद्दा निकाल करके इसको घुटना एवं पैरों के जोड़ों में धीरे धीरे मालिश करें। यदि समस्या गंभीर हो तो सरसों को तेल में मिलाकर प्रभावित जगहों पर मालिश करें। घृत कुमारी को आग में थोड़ा गर्म करके इसका गुद्दा निकाल लें। इस गर्म गुद्दे को रुई पर रखकर प्रभावित अंग पर बांध दें। इस प्रयोग से संधिवात दूर होंगे और धीरे धीरे आराम मिलना चालू हो जाएगा। ये जो है जलने पर भी घृत कुमारी का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाते समय आग, घी, तेल से शरीर का कोई अंग जल जाए तो ऐसी स्थिति में घृत कुमारी का गुद्दा एक कारगर उपाय है। जले हुए अंग से जलन में तुरंत राहत मिलेगी, छाला भी नहीं पड़ेगा और निशान भी नहीं रहेगा। शरीर का कोई भी अंग गंभीर रूप से जल जाता हो तो वहाँ की त्वचा सख्त हो जाती है, उस स्थान पर खुजली, जलन एवं दर्द की शिकायत बनी रहती है। ऐसे में घृत कुमारी गुद्दे को शहद के साथ उस जगह पर लगाकर 2 से 3 घंटों तक छोड़ दे। कुछ ही दिनों में इसका प्रयोग से त्वचा मुलायम होना शुरू हो जाएगी और इसका खुजली, जलन एवं दर्द की शिकायत भी दूर हो जाएगी। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डैंड्रफ, बालों से संबंधित शिकायत होता है, बालों का झड़ना चालू हो जाता है, वैसे स्थिति में घृत कुमारी के गुद्दे को नियमित सेवन करने से सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा। भृंगराज का पाउडर, दही, मुल्तानी मिट्टी और घृत कुमारी का गुद्दा, इन सभी को कूटकर पेस्ट बना ले और इस पेस्ट का कुछ दिन तक लेप करने से बालों का टूटना बंद हो जाएगा। बाल जो है घने और स्वस्थ उगने शुरू हो जाएंगे। केवल गुद्दे के सेवन से भी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो औषधि है आपको बवासीर, डायबिटीज, गर्भाशय रोग में भी डायबिटीज, ये जो एलोवेरा देख रहे हैं बहुत ही कारगर औषधि है। एलोवेरा का रस सूजन एवं दर्द में बहुत ही राहत पहुंचाता है। एलोवेरा जोड़ों की सूजन और गठिया के दर्द को कम करने में सहायक होता है। एलोवेरा का रस पीने से तथा शरीर में होने वाले सूजन को कम किया जा सकता है। केवल 2 हफ्ते नियमित रूप से एलोवेरा का रस पीने से सूजन एवं दर्द के लक्षण में बहुत हद तक
कमी अनुभव की जा सकती है। ये जो एलोवेरा देख रहे हैं, एलोवेरा जो है देखिए देख रहे हैं, यही एलोवेरा है। ये जो एलोवेरा है छोटे छोटे बच्चों को या किसी भी अन्य व्यक्ति को कान में दर्द हो, कान बह रहा हो, तो उस एलोवेरा को जिस कान में दर्द हो, जो कान में लसदार बह रहा हो, उसके बगल वाले हिस्से में देखिए इसका प्राकृतिक गुण कितना है कि जिस कान में दर्द है उसमें नहीं डालकर उसके विपरीत वाले कान में डालना है, तो वो जो है 5 से 10 मिनट में आपका कान का दर्द, कान का बहना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मधुमेह के रोगियों के लिए एलोवेरा बहुत ही कारगर औषधि है। एलोवेरा मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। यह न तो केवल शुगर के स्तर को नियंत्रित में रखता है अपितु इंसुलिन के उत्पाद को भी नियंत्रित करता है। यह लीवर, किडनी एवं अन्य अंगों से शुगर पहुंचने वाली क्षति से भी बचाता है। सर्वोत्तम नतीजों के लिए एलोवेरा का जूस रोजाना 3 महीने तक पिए तो आप मधुमेह के रोगियों में जो हैं उससे आप निजात पा सकते हैं, बहुत ही सहूलियत मिलेगी आपको। एलोवेरा जो है कोलेस्ट्रॉल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। पोषण विज्ञान और विटामिनों की प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस दवाई औषधि के नियमित सेवन से 30% तक कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को कम किया जा सकता है। एलोवेरा का उचित खुराक एवं अपने डॉक्टर्स की परामर्श अवश्य लें। इसका जो सेवन जो है आप खाली पेट भी कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस प्रतिरक्षा प्रणाली की सशक्त करने में भी यह एलोवेरा बहुत ही कारगर औषधि है। मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसको आप लोग आसानी से देखें और उसका प्रयोग करें। ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त कर शरीर को बीमारियों के खिलाफ एक कवच प्रदान करता है। जो नियमित रूप से एलोवेरा का जूस पिए और अपने शरीर को बैक्टीरियल, वायरल संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गैस हो उसमें भी आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा है आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये एलोवेरा एक बार और आपको बताते हैं। इसमें जो है इस देखिए इसमें प्रकृति का नियम, इसके बगल में देखिए काट छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं इस दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। और इसको प्रयोग करने से पहले इधर से आप लोग काट लें और फिर इस हिस्सा से काट लें, दोनों हिस्सा से काट के निकाल दें और इसको तोड़ने पर, उसको एति करने पर जो है लटका देने पर उसमें पीला पीला सा जो है गाढ़ा सा निकलेगा लसदार, वो जो है आपको शरीर के लिए हानिकारक है। इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए तब आप लोग इस निकल जाने के बाद से ये जो एलोवेरा हो जाएगा शुद्ध और उसके बाद से आप लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक बार और आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसको आप लोग आसानी से देखें, उसका लाभ उठाएं, उसका प्रयोग करें। बस इतना ही करके अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।